अतीक और अशरफ की हत्या के बाद लोग सोच रहे हैं कि माफिया राज का अंत हो गया, लेकिन अतीक की हत्या ही दोबारा माफिया राज को जन्म दे सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शाइस्ता बाहर है, अभी तक फरार है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि नैनी जेल में बंद अतीक का बेटा अपने पिता और चाचा की हत्या से बौखलाया हुआ है। वो उन तीनों आरोपियों को मारने के लिए राह देख रहा है। अली अहमद ने हिसाब चुकता करने की धमकी दी है। बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है और कयास लगाया जा रहा है कि शाइस्ता भी बाहर है। वो अपने पति और बेटे के जनाजे पर नहीं आई तो क्या वो कोई साजिश रच रही है? क्या वो इंतकाम की आग में जलकर किसी बड़े मंसूबे को अंजाम दे सकती है? फिलहाल अभी इन सवालों के जवाब तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अतीक का बेटा बदले की आग में जल रहा है। उसने जेल में कहा है कि आने दो, उन तीनों को छोड़ूंगा नहीं। वहीं अगर आरोपियों की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट से खबर सामने आ रही है कि अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस की जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। ये तीनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। तीनों आरोपी अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस इस चीज की जांच भी कर रही है कि आखिर इन तीनों को एक साथ लाकर रेकी करवाने, होटल में रुकवाने, विदेशी हथियार देकर, मीडिया का फर्जी आईडी कार्ड, बूम और कैमरा देकर अतीक अशरफ की हत्या के लिए भेजने वाला मास्टरमाइंड कौन है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।